हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड थ्री पॉइंट चार्जेस। तो कल थोड़ा सा साउंड का इश्यू रह गया था, माइक शायद माइक का जैक अच्छे से यूज नहीं हुआ था, लगा नहीं था, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जब डिस्कस किए थे तो मैंने बोला था इन्फिनिटी से दो चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे अगर हम, ठीक है, सेम चार्जेस को, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क डन करते हैं इन्फिनिटी से दो पॉजिटिव चार्जेस को या नेगेटिव चार्जेस को रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट एक दूसरे के नज़दीक लाने में जो वर्क डन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम लोग दो चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक लेके आ रहे थे तो उस समय कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो आज क्या बोल रहा है, आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स दैट कि एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, फिर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, कि किसी भी सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लेके आते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी। बहुत कीमती टॉपिक है, एक पॉइंट चार्जेस के लिए और टू पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से कोई बॉडी है, ठीक है, इसका कुछ अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इस पी पॉइंट पे, ठीक है, एक चार्ज को लेके आ रहा हूं इन्फिनिटी से, कहां से लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज को अपोज करेगा ना। तो अगर प्लस क्यू चार्ज को मैं इस पी पॉइंट पर लाना चाहूँ तो मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन करूँगा, ठीक है। और जो ये मेरा एक्सटर्नल सोर्स है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सपोज दैट वी ले लिया मैंने, कि जो एक बॉडी है जिसका कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बॉडी की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी लिया है। अब इस पी पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू को लाना चाहता हूँ, तो जब क्यू चार्ज को मैं इस पी पॉइंट पे लाऊंगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी के घर में अगर आपको किसी इंसान को लेके आओगे तो क्या वो इंसान अपने घर में उस इंसान को आने देगा, बिल्कुल नहीं आने देगा। तो प्लस क्यू चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोज करेगा। तो फिर भी अगर ये यहाँ आना चाहता है तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट प्लस क्यू चार्ज कुछ वर्क डन करेगा, तो ये डब्ल्यू वर्क डन करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पे स्टोर रहता है। बट मैंने पी पॉइंट पे लाना है तो सपोज दैट ये जो एक्सटर्नल बॉडी है इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया वी। तो हम लोग पढ़े हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, वी इंटू क्यू नॉट, हेयर क्यू नॉट, ठीक है, हेयर। तो आज हम देखते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज को इस पी पॉइंट पे लाने में हमने कितना वर्क डन किया, W इक्वल टू जब इस प्लस क्यू चार्ज को इस पी पॉइंट पे लाए तो इस पी पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V है, तो V की जगह तो V हो जाएगा इनटू जो चार्ज है ये Q है, तो Q नॉट के बदले कितना हो जाएगा, Q, आया समझ में। एंड सपोज दैट ये जो P पॉइंट है, अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ इस तरीके से मैं, ठीक है, तो ये P पॉइंट की इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है इस P पॉइंट का वो मैं ले लेता हूँ R, मतलब कि एक अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं बना लूँ तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से इस P पॉइंट तक की पोजीशन अगर R ले लूँ तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कि वर्क डन, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे है, आर डिस्टेंस दूर, किससे, ओरिजिन से आर डिस्टेंस दूर, पी पे इंटू क्यू, आया समझ में। अब हम लोगों को पता है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यही जो वर्क डन है हमारा यही पोटेंशियल एनर्जी यू के फॉर्म पे स्टोर होता है। तो इस पी पॉइंट पे मेरा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। देखो इसमें R क्या है, सिर्फ R ये बता रहा है
कि इस पी पॉइंट की अगर आप लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो उसके ओरिजिन से पोजिशन होगी आर, ठीक है, बस इसका मतलब इतना ही रहता है। क्लियर हो गया ना? तो कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस मतलब कि पी पॉइंट पे है, ठीक है, तो यू आर लिख लेंगे इसको, ज़्यादा क्लियर रहेगा कि आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है वी इंटू क्यू। वी आर मतलब समझते हो कि इस पी पॉइंट की पोजिशन ओरिजिन से, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं फॉर द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना थोड़ा सा बच्चे लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन इसको सीखना। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ऑफ टू, इसी के आगे है पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो चार्जेस को लेके आऊंगा तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सपोज दैट ये मेरा एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब कोई ऐसा बाहर की कोई बॉडी, ठीक है, जिसका कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, ये तो सपोज दैट ये मेरा ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं दो चार्जेस को लेके आऊँगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके आऊँगा Q1 चार्ज को, ठीक है। अब जब Q1 चार्ज को लेके आऊँगा तो मैंने बोला किसी भी चार्ज को लाने में मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, ठीक है। अब सपोज दैट ये जो Q1 चार्ज है इसको P पॉइंट पे लेके आया, तो P पॉइंट पे ओरिजिन से कुछ पोजिशन होगी ना, तो इस Q1 चार्ज के लिए मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 चार्ज के लिए, हाँ, तो Q1 चार्ज के लिए मेरी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी V Q1 चार्ज की पोजिशन। तो सपोज दैट Q1 चार्ज की पोजिशन ओरिजिन से R1 ले ली मैंने, ठीक है, इनटू कौन सा चार्ज है Q1, ऐसे ही उसके बाद क्या किया बताओ, मैं इस Q पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज लेके आया Q2, तो इस Q पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजिशन है वो मैं R2 ले लेता हूँ। तो इस Q चार्ज के लिए, सॉरी, ये Q2 चार्ज के लिए मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अभी बताया था मैंने V। अब देखो ये Q2 चार्ज की पोजीशन कुछ और होगी ना ओरिजिन से, ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है तो ये R2 पे होगा, तो डिस्टेंस कुछ और है, तो VR2, VR2 मतलब समझते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R2 डिस्टेंस पे, और जब Q2 को लाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। और दूसरी चीज, एक बात और सुनना बच्चों, जब Q1 और Q2 को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे लेके आया R12 पे, तो इससे पहले मैंने पढ़ाया आप लोगों को ऑलरेडी कि जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे आते हैं तो इन ये Q1 चार्ज को लेके आया मैं सबसे पहले, और जब मैं इस Q2 चार्ज को लेके आऊंगा कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो जब Q2 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आऊंगा तो क्या ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को रिपल नहीं करेगा, तो मैंने ये कल बता रखा था। सबसे पहले मैं बोला Q1 को लाया इन्फिनिटी से, Q2 और Q1 दोनों इन्फिनिटी पे थे, तो जब Q1 को लाया तो इसको रोकने वाला कोई नहीं था, सिर्फ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी निकली। लेकिन जब Q2 को लाया तो Q2 को रोकने वाला एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई, एज वेल एज इस Q2 को ये प्लस Q1 भी तो रोकेगा, ये बोलेगा इसको रिपल करेगा, तो ये Q2 इसके अगेंस्ट भी काम करेगा, तो इस Q2 के लिए, ठीक है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतनी हो जाएगी, साथ में जब Q2 को Q1 के पास लाऊंगा तो Q1 की और Q2 के रिपल्सन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और लास्ट टाइम में पढ़े थे हम, उसका फॉर्मूला कितना होता है बताओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज Q2 चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब दो चार्जेस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी होती है, Q1 के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, Q2 इन्फिनिटी में था तो सिर्फ Q1 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोका, तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी इतनी। जब Q2 को लेके आया तो Q2 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोक रहा है एज वेल एज Q1 भी रोक रहा है, तो Q2 की इतनी। तो देयरफॉर बताओ फिर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू U1 प्लस U2, Q1 की और Q2 की रख लो, तो कितना आ जाएगा V R1 इंटू Q1 चार्ज प्लस V R2, U2 की वैल्यू रख रहा हूँ, ये Q2, साथ में ये भी कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नॉर्मल भी होता है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब भी Q1 Q2 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इतनी होती है, ठीक है।
तो आया समझ में? तो जब दो चार्जेस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो उन दो चार्जेस के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, क्यू वन के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी इतनी, क्यू टू के लिए इतनी, एज वेल एज क्यू टू को क्यू वन भी रिपल कर रहा है तो वो टर्म भी आएगा। क्लियर हो गया ना? कहीं पर अगर डाउट रहता तो पूछ लेना, एक बेसिक सा फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है तो इसलिए बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ता है।